एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश सरकार महिला सुरक्षा को लेकर मिशन शक्ति जैसे अभियान चला रही है, तो वहीं दूसरी तरफ महिला पुलिस ही महिलाओं की बर्बरता से पिटाई करती नजर आ रही है। एक बार फिर पुलिस का कमजोरों पर खाकी के अत्याचार का वीडियो सामने आया है। सोशल मीडिया पर महिला की पिटाई का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि वीडियो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले का है। यहाँ एक जमीनी विवाद सुलझाने आए दरोगा ने महिला की बेरहमी से पिटाई कर दी। प्रशासन ने खाना पूर्ति के लिए आरोपी दरोगा की लाइन हाजिरी करने की कार्यवाही की है, लेकिन सवाल वही है कि क्या सरकार पीड़ित महिला को न्याय दे पाएगी। इसमें ये आरोप लगाया गया कि कुछ पुलिसकर्मियों के द्वारा एक घर में घुसकर महिलाओं के साथ मारपीट की गई है। इसकी जांच शाम 6 बजे तक सीओ रानीगंज को करने के लिए दी गई। सीओ रानीगंज के द्वारा, जिनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ये थाना आता है, ये जांच कंप्लीट करके उसकी रिपोर्ट मुझे सौंप दी गई है। रिपोर्ट में तथ्य सामने आए हैं कि भागीपुर गांव, जो थाना रानीगंज में पड़ता है, इसके अंतर्गत प्रथम पक्ष शकीलुद्दीन और द्वितीय पक्ष जमील इत्यादि, इनके बीच में जमीनी विवाद है, जिसमें कुछ साल पहले राजस्व टीम के द्वारा प्रथम पक्ष के फेवर में एक रिपोर्ट दी जा चुकी है। आज दोपहर 12 बजे इसी जमीनी विवाद में की सूचना प्राप्त होने पर सब इंस्पेक्टर वीरेंद्र त्रिपाठी, महिला आरक्षी सीमा देवी और पीआरडी जवान कमला देवी के साथ मौके पर गए थे। मौके पर जाने के बाद जब इन्होंने इस विवाद के बारे में जांच पड़ताल करने शुरू की, इसी दौरान द्वितीय पक्ष की महिला फातिमा उर्फ गुड्डन ये एग्रेसिव हो गई और इनके द्वारा महिला आरक्षी के साथ बदसलूकी की गई और जो पीआरडी जवान गई थी उनके हाथ में भी दांत से काट लिया गया। इसी दौरान दोनों पक्षों में जो महिला कांस्टेबल्स हैं उनके द्वारा इनको ओवरपावर करने की कोशिश की गई और मौके पर सब इंस्पेक्टर वीरेंद्र त्रिपाठी मौजूद थे। इनके द्वारा महिला को पकड़ के खींच के साइड में किया गया। दोनों पीआरडी जवान, दोनों का मेडिकल कराया गया, दोनों को इंजरीज आई है। यह भी ज्ञात हुआ है कि एक वीडियो कुछ समय पहले का वायरल हुआ था, जिसमें द्वितीय पक्ष के ही लोगों के द्वारा एक दीवार को गिराया गया था। इस संबंध में भी थाना रानीगंज में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। सब इंस्पेक्टर वीरेंद्र त्रिपाठी, जो कि मौके में मौजूद थे, जिनकी जिम्मेदारी थी कि अगर कोई पक्ष हमलावर हुआ था तो इनको दोनों को अलग करके और थाने पर आकर, अगर महिला कांस्टेबल के साथ बदसलूकी इस महिला के द्वारा की गई तो थाने पर जाकर मुकदमा पंजीकृत कराया जाना चाहिए था और कार्य सरकार में बाधा डालने के संबंध में भी इनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए थी। इनके द्वारा ऐसा ना करते हुए ये भी मौके पे इसका हिस्सा बने, इसकी वजह से वीडियो वायरल हुई और पुलिस विभाग की छवि धूमिल हुई। इसके लिए इनको तत्काल थाना रानीगंज से पुलिस लाइन ट्रांसफर किया जा रहा है और इसकी पूरी विस्तृत जांच, पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच एडिशनल एसपी पूर्वी, जिनके क्षेत्राधिकार में ये आता है थाना, उनको दी गई है। जमीनी विवाद के संबंध में राजस्व टीम के साथ सीओ रानीगंज को जिम्मेदारी दी गई है कि वो जमीनी विवाद का हल कराए और इसमें जो भी गलत पक्ष है उसके विरुद्ध कठोर विधि। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।